हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 40 साइज की ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन शेयर करूंगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैक पार्ट की लेंथ मैंने यहां से 14.5 इंच लिया हुआ है। तैयार ब्लाउज हमारा 13.5 इंच का रहेगा। इसके बाद हमने चेस्ट लिया हुआ है 12 इंच और शोल्डर यहाँ से हमने लिया है 6 इंच। आर्म होल भी हमने यहाँ से 6 इंच लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और 1.5 इंच की यहाँ पे मैंने इसकी गोलाई दे दी हुई है। इसके बाद नेक विड्थ लेना है 3 इंच 40 साइज के अकॉर्डिंग, और नेक का लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 9 इंच लिया हुआ है। और इसके बाद इस तरह से गले की गोलाई दे के कट कर देंगे फैब्रिक। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कमर की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसे अटैच कर लिया हुआ है। और इसके बाद आप चाहे तो इस तरह से पिन लगा करके अच्छे से गले पे स्टिचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गले की सिलाई देनी है। और ध्यान देना है मेन फैब्रिक और अस्तर में कोई फुलान ना रहे, और नेक के साइड वाले जो भी फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे और गले के साइड में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से हम बैक पार्ट को पलट देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे नेक की फिनिशिंग हो गई है, कमर की भी फिनिशिंग हो गई है। अब हम पूरे नेक पे एक प्रेस स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल साइड से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से सावधानी से लगाना है आपको। अस्तर का जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ दिखना नहीं चाहिए। इसके बाद सेम इसी तरह से कमर की तरफ में भी हम सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से बैक पार्ट को अच्छे से रेडी कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को साथ में ज्वाइंट करेंगे साइड से। तो एक साइड हमने ज्वाइंट कर लिया हुआ है, सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइंट कर लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इसकी कटिंग कर देनी है। और यहाँ पे बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो 1/2 इंच का हमें यहाँ पे प्लेट्स डालने हैं। इस तरह से 4 से 4.5 इंच के आसपास आप ले सकते हैं लेंथ में। और दोनों तरफ से आपको यहाँ पे प्लेट्स लगा लेने हैं। और ये देखिए रेडी हो गया है। अब हम डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का लेस लिया हुआ है। आप अपनी पसंद से कोई सा भी लेस ले सकते हैं। और गले के चारों साइड से हम लगा लेंगे इसे। तो बिल्कुल आसान है ये डिजाइन बनाना, आप एक बार जरूर ट्राई करें। सेम इसी तरह से हम दोनों साइड से लेस को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। इसके बाद अब हम इस तरह से लेस को लेंगे और डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे हमें सेंटर लेना है और सेंटर से हमें हल्का राउंड शेप में लेस को इस तरह से घुमाते हुए लगाना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो पहले मार्क भी कर सकते हैं, इसके बाद इसके ऊपर लेस लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लेस को लगा लिया हुआ है। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी लेस को लगाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है ये लेस डिजाइन बनाने का, और बनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है।
और इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हमने इसे कंप्लीट कर लिया हुआ है और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। ये देखिए यहाँ पे इसे इस तरह से कंप्लीट कर लेना है और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं आप इस तरह की पेंच लेके। आप चाहे तो यहाँ पे दो पेंच भी लगा सकते हैं या फिर सिंगल पेंच भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स ब्लाउज डिजाइन रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।